अमित शाह का ट्वीट है, वो पढ़ के सुनाता हूँ मैं। उन्होंने किया था अप्रैल 22 अप्रैल 2019 में, फर्स्ट वी विल ब्रिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। आ गया वो? आ गया? आया नहीं आया भाई? आ गया। एंड वी विल गिव सिटीजनशिप टू हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, जैन एंड क्रिश्चियन रेफ्यूजीज, उनको दे देंगे। द रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। देन वी विल इम्प्लीमेंट NRC टू फ्लश आउट ऑल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द कंट्री। कैब लाए जो नॉन मुस्लिम से सिटीजनशिप दे दिए, फिर NRC करें, उसमें कौन मिलता है फिर? मुसलमाना मिलते, उनको उठा के फेंक देंगे। ये बंद अल्फाजों में इनका ये कहना है, वो भी अब हमको मालूम हुआ ना, ये 6 लोगों के नाम अभी एक्ट पास हुआ ना दिसंबर में, इन्होंने 6 कम्युनिटीज के नाम अप्रैल 22 अप्रैल 2019 को ही कह दिए थे जब हम सो रहे थे। अब ये बिल पास हुआ बाद हम प्रोटेस्ट करने निकले, इतने महीने मिले थे, क्या करें। अमित शाह ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए थे कि 6 को देने वाले हैं। तो जबी से अगर आप मेहनत करते, जबी से आप प्रोटेस्ट करते कि मुसलमान का नाम इंक्लूड नहीं है, तो ये जरूरत नहीं होती पास होने की। पास हो गया, लॉ बन गया, प्रेसिडेंट का नॉड मिल गया, उसको कानून बना दिया बाद आप प्रोटेस्ट करें, नारे बोल तो क्या होगा। तो ये हमको प्लानिंग के साथ करना चाहिए।